डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं वो भी एक अच्छी सैलरी पे और इन सबकी प्रोफाइल में तीन ऐसी चीजें थी जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंस फ्यूचर और स्कोप की तो आप इसे मजबूरी समझें या फिर नीड डेटा एक ऐसी चीज है जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और डेटा साइंस की डिमांड इसी वजह से काफी ज्यादा बढ़ रही है आप किसी भी फील्ड से हो आर्ट कॉमर्स साइंस आप डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हो पाइथन, मशीन लर्निंग डेटा विजुअलाइजेशन ये ऐसी एडवांस स्किल है जो आने वाले टाइम और दो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ना केवल टेक्निकल इंडस्ट्री में बल्कि हर एक सेक्टर में यूज़ हो रही हैं इसीलिए नॉन आई टू आई या फिर पाँच से दस साल के करियर गैप वालों के लिए डेटा साइंस एक बेस्ट करियर ऑप्शन है एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी डेटा साइंस में जा सकता है बस ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और आप कितना डेडिकेटेड है अपने करियर को लेकर तो आप बात करते हैं डेटा साइंस कोर्स की कि इसको हम कहां से और कैसे कर सकते हैं कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है डेटा साइंस के लिए जहां से आपको प्लेसमेंट मिल सके तो जैसा कि आपको पता है मैं इंस्टीट्यूट्स का रिव्यू करता रहता हूं ऐसे ही कुछ टाइम पहले मुझे काफी सारे कैंडिडेट्स ने ओडिन स्कूल के बारे में बताया था मैंने ओडिन स्कूल पर काफी रिसर्च करी उसके बाद मैंने ओडिन स्कूल्स के लोगों से भी काफी बात करी उनसे प्लेसमेंट देखे और उनके करिकुलम के बारे में बात करी

कोर्स पैटर्न लाइफ प्रोजेक्ट और प्लेसमेंट को देखते हुए ओडिन स्कूल एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप नॉन आईटी टू आईटी डेटा साइंस या फिर पाँच से दस साल के करियर गैप के बाद आईटी कंपनी में मूव होना चाहते हैं काफी रिसर्च करने के बाद मुझे खास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे जिनकी वजह से ओडिन स्कूल से कोर्स करने में आपको बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं इसी के साथ साथ इनका जो जॉब प्लेसमेंट का सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है और स्कूल में आपको 115 प्लस लाइव सेशन मिलते हैं इसमें 530 प्लस सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं 230 प्लस असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं 60 प्लस प्रैक्टिस और एप्टीट्यूड टेस्ट आपको मिल जाते हैं इसी के साथ इनके जॉब पोर्टल पर 100 प्लस जॉब्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको प्रेफर किया जाता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए आपको लैब भी प्रोवाइड करवाई जाती है पाइथन डेटा रैगलिंग स्टैटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी स्किल्स की ट्रेनिंग आपको मिलती है और इसी के साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेन प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसमें कोविड नाइन्टीन प्रडिक्शन क्रेडिट कार्ड अप्रूवल जैसी समस्याएं इंक्लूड होती है फाइव प्लस हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन से इनकी पार्टनरशिप और टाइप है जो आपको प्लेसमेंट में काफी ज्यादा सपोर्ट करता है डेटा साइंस के प्लेसमेंट में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है रियल टाइम प्रोजेक्ट अगर आपने किसी कोर्स या इंस्टीट्यूट से रियल टाइम प्रोजेक्ट किया है तो ये आपको प्लेसमेंट करवाने में काफी सपोर्ट करता है ओडिन स्कूल के डेटा साइंस कोर्स की एक खासियत यह है कि आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट पर वर्क करने को मिलता है जैसे कोविड नाइन्टीन प्रोडिक्शन क्रेडिट कार्ड अप्रूवल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्शन जैसे प्रोजेक्ट आप वर्क कर सकते हो अपने रेज्यूमे में शो कर सकते हो टेन प्लस डेटा साइंस प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर सकते हो जिससे आप अपनी स्किल को और ज्यादा डेवलप कर सकते हो और जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें आप ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हो जिसे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एक रिक्रूटर या एक हायरिंग मैनेजर पर तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था जो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो नॉन आई से आई में जाना चाहता है या फिर पाँच से दस साल करियर गैप के बाद अपना करियर आई में शुरू करना चाहता है जो मैंने कैंडिडेट्स अपने करियर में देखे जो डेटा साइंस में मूव कर चुके हैं अपने गैप और नॉन आईटी के बाद उनमें तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो वर्क किया था रियल टाइम प्रोजेक्ट पर उन्हें एक अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट मिला उनका जो डेटा साइंस का कोर्स करिकुलम था वो काफी अच्छा था ये तीनों चीजें मिलके आपको एक कंप्लीट पैकेज देती हैं जिससे आपका प्लेसमेंट इजली हो जाता है ऑर्डियंस स्कूल आपको दो तरह के पेमेंट ऑप्शन देता है पहले ऑप्शन वन में डायरेक्ट पेमेंट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस जीएसटी और अर्ली बर्ड ऑफर में आपको टेन थाउजेंड की छूट भी मिल सकती है और अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर में अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो फाइव तो थाउजेंड प्लस जीएसटी देकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं ऑप्शन टू पे आते हैं तो ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा इसमें पे ऑन सक्सेस मॉडल है आपको फोर्टी अप फ्रंट पे करना है और जॉब मिलने के बाद आपको अपने पहले साल की जो सी मिलेगी आपको उसका टेन इनको पे करना है वो भी जॉब मिलने के बाद ऑडियन स्कूल का बैच 28 सितंबर 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है तो आप अपनी डेटा साइंस की जर्नी शुरू कर सकते हो सारे लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो जितनी जल्दी आप इस कोर्स को करोगे उतनी ही जल्दी आप लर्न कर पाओगे और अपना करियर डेटा साइंस में बना पाओगे अब बात करते हैं ऑडियन स्कूल की सर्विस और प्लेसमेंट सपोर्ट के बारे में केवल कोर्स ही नहीं करियर सर्विस की फैसिलिटीज आपको इसमें मिल जाएगी जिसमें एक कॉम्युनिकेशन ट्रेनिंग मॉक इंटरव्यू और इनका जॉब पोर्टल मिलेगा जिससे हंड्रेड प्लस से ज्यादा जॉब्स की फैसिलिटी आपको मिलेगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हो सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसी के साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इनके साथ ये है कि इनके 500 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं जिसे आपके प्लेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये था आज का वीडियो नॉन आई टी टू आई टी डेटा साइंस फाइव टू टेन ईयर करियर गैप के बाद इसी के साथ साथ आप स्कूल से अपना डेटा साइंस का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट एक अच्छा करिकुलम रियल टाइम प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं नेक्स्ट बैच 28 सितंबर से शुरू हो रहा है तो आप जाकर इसे अभी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं तो मिलता हूं एक नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू